Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Faruqi Media Service on YouTube and Facebook. Unko dosto razi saathiyo Allah tabaarak wa ta'ala ne insano ko ashraf ul makhluqat banaya यानी तमाम मखलूकात में सबसे अफजल सबसे बेहतर और इस मखलूक के अंदर भी एक शख्स को वो मकाम दिया जो दुनिया के अंदर किसी को हासिल नहीं हो सका। वो मकाम मेरा नबी है रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको आखिरी नबी बनाया गया और तमाम कायनात का सबसे अफजल तरीन पर बताया दिया गया। आपकी आसमत आपका तकद्दस आपकी तारीफ हर शख्स के ऊपर वाजिब करार दी गई और कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कि नबी की जात मोमिनीन के नजदीक अपनी जानों से ज्यादा करीब है। आज के इधर एक हफ्ते दो हफ्ते से एक मसला बहुत तेजी से तेजी के साथ उठा बस गलीज किस्म के लोगों ने गंदे किस्म के लोगों ने इंतहाई गंदे नारे के कीड़ों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सिलसिले में आपके नामूस के सिलसिले में गलत बयानी की गंदगी उड़े दी। ऐसे लोग सारी दुनिया के नजदीक नापसंदीदा करार दिए गए। दुनिया के किसी एक फर्द ने इनके स्ट्रेट को पसंद नहीं किया दुनिया से मुखालफत शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदज़बानी करने वाले इन अनजानों ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात की तो कुरान की वो बात के ऊपर सारे आ गई तआनहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करेगा जिनके गोदों में फल बनी थी और जिनकी गोदों में उसको पाला जा रहा था बड़ा किया जा रहा था जिसके लिए वो मशहूर थे सारी वो चीजें उनसे छिप गई दुनिया की लालच गई और आखिरत में जो अदा होगा वो तो इंतहाई खतरनाक नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन मुसलमानों को कहा जा रहा है कि खामोश रहे मुसलमानों से कहा जा रहा है चुप रहे इनके खिलाफ बात ना करें। मैं खुले लफ्जों में कह देना चाहता हूं कि जो शख्स भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला करेगा कोई मुसलमान तो खामोश नहीं रह सकता। किसी मुसलमान के अंदर यह हमियत और गैरत इतनी कम नहीं हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई की जाए और खामोश उसकी जुबान न निकले। अगर यह हालत हो रही है तो हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। किसी मुसलमान के अंदर ये हिम्मत नहीं है कोई सोच नहीं सकता किसी के ज़हन ख्याल में किसी ज़हन दिमाग में ख्याल नहीं आ सकता कि अल्लाह के नबी की नामूस पर हमला हो अल्लाह के नबी की इज्जत पर हमला हो और वो खामोश रहे खामोशी से सुनता रहे उसके खून में आग ना फूटे उसके दिल में हमीयत ना जागे ऐसा मुमकिन नहीं है। ईमान का तकाजा ये है अगर कोई शख्स किसी के माँ बाप को गाली देता है वो बर्दाश्त किया जा सकता है उसको बर्दाश्त कर सकता है।
नबी के साथ में गुस्ताखी हो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये नाकाबिले माफी जुर्म है। तारीख रही है मुसलमानों की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक जिन लोगों ने भी अल्लाह के नबी की शायद में गुस्ताखी की, जिन लोगों ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद और आपके इज्जत और नामूस पर हमला किया, उनका अंजाम जो हुआ है दुनिया में तो सबके सामने बने ही, आखिरत में भी जो उनका अंजाम होना है वो इंतहाई दर्दनाक। एक शख्स नसरानी था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान हुआ और आपकी सोहबत हासिल की, उसके बाद फिर नसरानी हो गया और आपकी शान में बदकलामी करने लगा। वो शख्स इतना बदबخت था कि जमीन ने उसको कबूल नहीं किया। जब मरा है तो जमीन के अंदर दफनाया गया, दूसरे दिन उसकी लाश बाहर पड़ी थी, फिर दफनाया गया और फिर देखा गया उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है। यह अंजाम होता है, उसके साथियों ने उसकी लाश को वहीं सामने दिया। अब उन्हें जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, पूरी सूरत उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी अल्लाह तबारक व तआला। उसका अंजाम यह हुआ कि जब आखिरी वक्त आया है तो उसके गोश्त का एक एक हिस्सा गंदगी के गिर रहा था, उसके घर वालों ने घर से बाहर भगा दिया और सड़क पर उसकी मौत हुई, खुले आसमान के नीचे मरा और किसी शख्स ने उसको दफनाने की भी कोशिश नहीं की। वो वहीं पे मरा चलता रहा, उसकी बदबू से आने जाने वालों को जब परेशानियां हुई तो बाज गुलामों ने उसको लकड़ी से धक्का देकर एक गड्ढे में डाल दिया। यह अंजाम होता है, एक रत्ना का अंजाम है वो लोगों का। ये तो वो है जो कुदरत की तरफ से हुआ है, जालिमिल्लाह जो अजाब आया है। और दूसरी तरफ वो तो कहीं भी आपको मिल जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदकलामी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन उसका सर लेके आएगा, कौन उसका सर तब से जुदा करेगा। सहाबा ने कहा कि इसके इस सिलसिले में अगर हम इस्लाम के हुदूद को थोड़ा सा बाहर कर जाए और कोई बात गैर इस्लामी हो जाए तो हमारी पकड़ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई पकड़ नहीं होगी, जाओ उसका सर लेकर आओ। सहाबा गए और वापस जमाए सुनाए तकबीर बुलंद करते। ये मिसालें भी नहीं है, अब हमसे कहा जाता है खामोश हो जाए इसको सुने, हम खामोशी खामोश रहते हैं इसको सुने। अगर हम खामोश रहते हैं तो कुरान की मुखालफत करने वाले हैं, अल्लाह खामोश नहीं रहा, हम कैसे खामोश रह सकते हैं। अल्लाह के अंदर अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल कर दी, बेशुमार इस तरह के वाकयात हैं। अबू लहब को इतना ज्यादा यकीन था आपके ऊपर कि जब उसके बेटे ने आपको जाके सताया और अजियत दी और आपके खिलाफ बदजुबानी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बददुआ फरमाई और कहा अल्लाहुम्म सल्ली सुआदा सल्ली अलैहि कल्बम मिन किराबी, कि अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। उसने आके अपने बाप से बताया अबू लहब से कि हमें यह बददुआ दी है, तो अबू लहब कहने लगा कि मुझे खौफ है तुम जिंदा नहीं रहोगे। और वो सफर पर निकल रहे थे, जाके ऐसी जगह पे उनका कयाम हुआ जहां पर एक राही मौजूद था, कहने लगा आप लोग यहाँ कैसे रुके हैं, यहाँ तो भेड़िया आते हैं, यहाँ तो चीर फाड़ करने वाले दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने कहा कि चलो भाई इसका घेरा बना दो, मोहम्मद ने इसको बददुआ दी है, मुझे नहीं लगता है जिंदा रहेगा, इसकी हिफाजत के लिए इंतजाम करो। एक दरिंदा आया, सब लोगों को सूखता हुआ गया, किसी को कुछ नहीं किया। उस निशान के अंदर वो अबू लहब का बेटा मौजूद था, उस दरिंदे ने वहीं से शरार कराई और जाके उसको सूंघा और वहीं पर उसका खात्मा कर दिया। ये अंजाम है जब अल्लाह की दूसरी मखलूकात खामोश रहेंगे इस मसले पर तो मुसलमान कैसे खामोश रह सकता है। जब दूसरी मखलूकात जो इंसान से कमतर हैं, जिनको बजाहिर जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम देकर भी नहीं आए हैं, वो इतना ज्यादा हसास हैं, तो इंसान के अंदर कैसे मुर्दगी आ सकती है, मुसलमान कैसे मुर्दा हो सकता है, सोचने की चीज है।
तुमको गाली दी जा रही है तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारे माँ बाप को गाली दी जाए बर्दाश्त करो, लेकिन जब तुम्हारे रसूल को गाली दी जाए तो याद रखो तुम सबसे ज्यादा अजीज तुम्हारे नसीब रसूल होने चाहिए। तुम मुसलमान नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नसीब महबूब तरीन चीज ना बन जाए इस दुनिया के अंदर। एक शायर ने कहा है सबसे पहले हम खड़े होंगे उनकी हिफाजत के लिए। उस वक्त जब कुफार मक्का उस वक्त के यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते थे तो सहाबा के दरमियान मुकाबला होता था कि कौन उसका सर लेकर आएगा। एक एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस्तादी की। सहाबा की एक जमात एक कबीला गया और उसका सर लेकर आया। दूसरे ने जब गुस्ताखी की तो दूसरा कबीला पहुंचा के बराबरी रहे हम उनसे कम ना हो जाए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। और आज हम खामोश हैं, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दुनिया बात कर रही है इस पर, दुनिया भर से इसकी मुखालफत हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं सन्नाटा छाया हुआ है मुल्क के अंदर। समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है मुसलमानों को, क्या इतने गए गुजरे हो गए। अख्तर शीरानी एक शायर गुजरा है जी हिंदुस्तान का रहने वाला है। शराबी कबाबी हर रोज शराब के नशे में धुत रहने वाला शराब खाने में बैठा हुआ है और सबकी बुराइयां कर रहा है, किसी को अपने बराबर का नहीं समझता। उसके साथ में तस्किरा हो रहा है कि फुला आदमी के बारे में आपका ख्याल है, वो कहता है वो तो हमारा शागिर्द बन के लायक नहीं है। फुला आदमी के बारे में आप क्या समझते हैं, कहता है उसको तो शायरी आती नहीं है, बस दुबलियां करता है। इतनी देर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है वो शीरानी जो शराब के नशे में दूध कई बोतलें चढ़ा चुका था, जहन दिमाग हाजिर नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही कांपने लगता है, नरस जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और कहता है बदबخت तू यहाँ इतनी गंदी जगह पर अल्लाह के नबी का नाम कैसे ले सकता है, तेरे अंदर ऐसी जुरत कैसे पैदा हुई कि इस गलीज जगह पर अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए। लेकिन आज हम हैं कि एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं। होना तो ये चाहिए था कि सारे लोग खड़े हो जाते, मुल्क भर के मुसलमान खड़े हो जाते, किसी का कोई इंतजार ना करते, किसी की तरफ नजर उठाने ना देखते। ईमान की हमीयत यह है कि खुद खड़े होते अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए सर से कमर बांध कर निकल पड़ते। कैसी जमहूरियत है, ऐसी जमहूरियत किसी लायक नहीं है, ऐसी जमहूरियत की कोई हैसियत नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हिफाजत ना हो सके। जमहूरियत कहते हैं सारे मजाहिब का और सारे मजाहिब के पेशवाओं का लिहाज रखा जाए, उनकी इज्जत उनकी एहतराम का पास हो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतरीन शख्सियत है, मुहसिन इंसानियत है, जब उनकी इज्जत और नामूस महफूज नहीं है तो जमहूरियत किसी लायक नहीं। सोचना चाहिए किस तरह से हम जी रहे हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक शराबी और कबाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सका और हम पांच वक्त मस्जिद में आते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि हम एक लफ्ज बोल सके। कैसा ईमान है क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी मोहब्बत बाकी है। हम देखते हैं कि हमारे नौजवानों को जब कोई गाली देता है तो पलट कर 10 गालियां देते हैं और फौरन मारना शुरू कर देते हैं, एक लफ्ज अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करते।
अपने वालिदैन के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करते, कैसे नौजवान निदल्ला निदली से बल्ला हमारी इज्जत के खिलाफ सुन रहे हैं और सुकून से बैठ रहे हैं, इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। हैरत होती है कि क्या मुसलमान इस तरह भी हो सकता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमान के अंदर ये नाकिस ये नक्स अगर पैदा हो रहा है तो याद रखना चाहिए मुसलमान का ईमान कमजोर हो रहा है, बल्कि धीमे धीमे निकल रहा है वो ईमान। जैसे कुफार हम सुनते हैं हम भी सुन रहे हैं, कोई एहतजाज नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, जमहूरी बोलते ठीक है आप नहीं कर सकते, नहीं मार सकते, गर्दन नहीं उड़ा सकते, आपके पास ये हक है कि आप मिनिस्टरों की जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, उसको जेल में डालने के लिए और उसकी गिरफ्तारी के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ये हक तो आपके पास है, ये हक तो आपसे किसी ने नहीं छीना है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया कि काफी है, कुछ भी नहीं है पार्टी से निकालना, पार्टी से निकाल कर वो अपने आप को धोना चाहते हैं, उन्हीं के इशारों पर ये काम हुआ है, और पार्टी से निकाल कर बैंक उसकी पूरी बैकिंग की जा रही है, पीछे से उसके ऊपर सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अलग ही तौर पर दबाव बना था, इसलिए निकालना भी जरूरी था, न निकालते तो अपना चेहरा कैसे लेके जाते, दूसरे ममालिक अपनी गंदी शक्ल कैसे दिखाते। देखिए आज मुसलमानों की हालत देखकर बड़ा अफसोस होता है, कुछ मुसलमान वो हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतर कर अपनी ईमानी गैरत से सबूत किए, बहुत से हैं जो जेल में जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल के जमाने का एक वाकया याद आया, उस वक्त एक शख्स ने अदालत के अंदर एक गुस्ताख को कत्ल किया और फिर एतराफ किया कि हाँ मैंने कत्ल किया है, इसकी सजा जो देनी है दे दो। बहुत से लोग थे वो अल्लामा इकबाल के पास पहुंचे और कहते हैं कि आप अगर कोशिश करिए तो इसकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो सकती है। वो कहते हैं क्या वो पीछे हट रहा है, वो जो फांसी है क्या वो पीछे हट रहा है, वो हिम्मत हार रहा है। लोगों ने कहा नहीं वो तो बिल्कुल मस्त है, वो इतराफ कर रहा है कि हाँ हमने कत्ल किया है, जो सजा देनी है दो, हमने अपनी जान भेजी है शहादत के बदले। अल्लाह का इकबाल गुस्सा हुए और जो लोग उसकी सिफारिश लेकर आए थे उनको डांटा और कहा तुम चाहते हो हम उसकी सवाल में कभी का बाइस बने। इस तरह की ईमानी हानि है, ईमानी गैरत पैदा होनी चाहिए, कम अज कम इतना तो हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है तो फिर अपने घर से ना निकल सके, जमीन अपनी वसातों के बावजूद उस पर तंग कर दी जाए, उसको खौफ महसूस हो कि वो मुफसिर इंसानियत के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है, कोई इंसानियत को जानदार करने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया के वजूद का जो जरिया है और दुनिया की पैदाइश का जो जरिया है उसके खिलाफ जुबान तराजी कर रहा है, वो मुल्क का भी हकदार है, इंसानियत का भी हकदार है। कम अज कम इतनी अहमियत होनी चाहिए मुसलमानों के, इतनी गैरत होनी चाहिए। लिहाजा इस सिलसिले में सोचे और अपनी वसात के मुताबिक जो अपने तौर पर काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मसला कोई आम आदमी नहीं, अगर उनकी इज्जत और नामूस दावदार हो रही है तो याद रखिए ना आप सही साजिश रह सकते हैं ना कोई और। हम देख रहे हैं वो हमारी जो हर मसले पर खामोश रहते थे, सीरिया में अब दोबारा करी हुई वो खामोश रहे, फलस्तीन में मुसलमान काटा गया वो खामोश रहे, म्यांमार में मुसलमानों को कीमा कीमा कर दिया गया वो खामोश रहे, लेकिन आज आम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई वो भी खामोश नहीं रहे, उनकी जुबानें भी बाहर आई और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अपनी उसात के मुताबिक जो कर सकते थे किया।
तो इस सिलसिले में हम मुसलमान इंफरादी तौर पर जो काम कर सकते हो करें, याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत काबे से भी वाक करें, तमाम मसाजिद से वाक करें। हदीस में आता है والمؤمن اعظم حرمة عند الله من كي काबे को मुखातिब करके एक सहाबी ने बताया था कि मोमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। और मोमिन की हुर्मत जब काबे से बड़ी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। लिहाजा अपनी वसात के मुताबिक और अपनी इंफरादी ताकत के मुताबिक जो कर सकते हो कीजिए, इसमें किसी की शक्ल ना देखिए, किसी की तरफ नजर उठा के ना देखिए, अपनी मोहब्बत का सबूत। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.